मैनपुरी शहर स्थित माँ शीतला देवी प्रांगण के कांदवरी मंच पर आयोजित आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैनपुरी बेसिक शिक्षा अधिकारी के सौजन्य से विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर जयवीर सिंह ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तो वहीं पर जनपद के समस्त विकासखंड क्षेत्रों से आए विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं टीचर्स के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, ये कार्यक्रम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगातार 15 अगस्त तक चलाते रहेंगे। सरकार की यही मंशा है कि देश के प्रति तिरंगे को कभी ना भुलाया जाए और इसको हमेशा याद रखा जाए, जिसके लिए प्रदेश व देश की सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया और हर घर तिरंगा फहराने का कार्य किया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि इस तिरंगा अभियान को चलाने का मकसद ये है कि जिन देश के सपूतों ने, वीर जवानों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको समय समय पर याद किया जाए और इस तिरंगा अभियान के तहत उनको याद रखा जाए किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाकर देश को आज़ाद कराया। अपनी योग साधना, जिनके अभी दूध के दांत भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए, अपने योग साधना से, अपने झिलकते हुए प्राणों से मजबूर कर दिया है हम सब लोगों को, देशभक्ति के साथ मजबूत करें और बच्चों। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।